الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان चल रही है और तकरीबन 58 अठावन आयत की तفسير आयत की तفسير हो चुकी है अठावनवीं आयत की तفسير चल रही थी जिसमें अल्लाह तब्बा व अताल ने तवक्कुल का हुक्म इरशाद फरमाया था तो हमारी तोल पर गुफ्तु को चल रही थी कि तवकुल का माना होता है अल्लाह तबारा व वाले पर भरोसा रखना और भरोसा रखने का मतलब ये है कि हम अपनी तदबीर इख्तियार करें कोशिश करें एक काम को इख्तियार कर लें और उसके अंजाम के सिलसिले में अल्लाह की जात पर भरोसा करें कि इसका अंजाम अल्लाह तला हमारे हक़ में अच्छे निकालेगा और अगर हमारे मुखालिफ भी हुआ तो हम अल्लाह की रजा पर राज़ी रहेंगे तो तदबीर अख्तियार करना यह मना नहीं होता अंजाम के मामले में अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए यह हमें तालीम दी गई है आगे अल्लाह ताला ने तशात फरमाया वकफ़ा बिही बे जुनूब इबाद ही ख़बीर और वही ज़ात है जो काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों पर खबरदार होने में यानी वो ज़ात अपने बंदों के गुनाहों पर ख़बरदार होने के लिहाज से काफ़ी है वो हर बंदे के गुनाहों को जानती है अब इसमें भी अल्लाह तबारक व ताली की वसात इलमी का इजहार है कि इतने सारे अरबों खरबों इंसानों को और जन्ात को अल्लाह ने पैदा फ़रमाया और वो जो ख़ाएँ और गुनाह कर रहे हैं हर एक की ख़ा हर एक का गुनाह अल्लाह तबारक व ताल जानता है चाहे हम उसको तनहाई में करें चाहे लोगों के सामने करें चाहे हम आ, इशारों नायों में करें चाहे सराहतन करें अल्लाह तबारक वाली सब को जानता है और ये इससे मालूम होता है कि उसका इल्म बहुत बड़ा है इससे ये भी पता चलता है कि उसकी तवज्जो हर जानब हर एक पर कामिल होती है और हर वक्त रहती है वो किसी से गाफिल नहीं होता क्योंकि पूरी रुए ज़मीन पर किसी न किसी मकाम पर कोई ना कोई शख्स गुनाह कर रहा होता है और एक शख्स नहीं करोड़ों की तादाद में लोग गुनाह कर रहे होते हैं एक ही शहर के अंदर करोड़ों लोग गुनाह कर रहे हैं मसल मतलब हमारे कराची की आबादी तकरीबन सवा करोड़ से भी ज़्यादा है तो कराची में एक ही दिन के अंदर अगर सवा करोड़ का भी आप हिसाब करें एक करोड़ का भी हिसाब कर लें तो कोई ना कोई आदमी किसी न किसी मकाम पर ख़ता कर रहा होगा अब एक करोड़ आदमियों को वॉच करना उन्हें देखना कि कौन क्या कर रहा है अच्छा फिर ज़ाहिर ही नहीं बल्कि उनके दिल में कौन से ख़तरा पैदा हो रहे हैं दिल में क्या फासिद इरादे हैं क्या गुनाह का इरादा कर रहा है गुनाह का इरादा किस दर्जे तक पहुंचा हुआ है फिर उसी वक्त में आ, दूसरे शहर में तीसरे शहर में चौथे शहर में पाँचवें शहर में और हज़ारों लोग गुनाह कर रहे हैं करोड़ों लोग गुनाह कर रहे हैं फिर पूरी दुनिया का आप हिसाब करते चले जाइए तो जहन थक जाएगा तो हमारा जहन तो सोच सोच के ही थक जाएगा उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकता इसकी इंतहा तक इस चीज़ की हकीकत तक रसाई अकल की नहीं हो सकती है जहन थक कर घुटने टेक देगा और उस जात की अजमत के क्या कहने कि जो सिर्फ़ तस्वूर में नहीं लेकर आ रहा वो सोच नहीं रहा बल्कि बाकायदा मुलाजा फरमा रहा है एक एक के गुनाह को मुलाज़ा कर रहा है एक ही वक्त में सब की तरफ मुतव है किसी तरफ से गाफिल नहीं है तो आप ख़ुद सोचिए क्या ऐसी जात पर ईमान लेकर नहीं आना चाहिए और जो ईमान लाए हुए हैं उन्हें अपनी खुशकिस्मती पर नाज नहीं करना चाहिए कि ऐसी अजीम जात का हमने दामन रहमत थामा हुआ है ऐसी अजीम जात की मारफ़त हमें हासिल है पहचान हासिल है कि हम उसकी पहचान हासिल करने के बाद माबू बातिला से बचे हुए हैं किसी गैर ख़ुदा की पूजा नहीं कर रहे इबादत नहीं कर रहे उसकी परस्तिश नहीं कर रहे बल्कि हमने एक ऐसी ज़ात का इंतब कर लिया है उसी की अता से उसी के करम से उसके फ़जल से उसके नबी करीम अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से कि जिस जात के साथ जो वाबस्ता हो गया उसके तकाज़ों के मुताबिक तो इन शामयाबी हासिल करेगा और उसके लिए दुनियावी कामयाबी भी है उखरवी कामयाबी भी है तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम अल्लाह तबारकवा तानते हैं उसे एक खुदा तस्लीम करते हैं उसके लिए हमारे अकायद बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वो पूरी कायनत का खालिक है मालिक है पूरी कायनात का निगहवान है पूरी कायनात को देख रहा है वो कभी गाफिल नहीं होता कभी थकता नहीं है कभी सोता नहीं है वो खाने पीने से पाक और साफ़ है उसका कोई ख़ानदान नहीं है कि उसमें साबित हो जाए वो हम वक्त अपने बंदों को मुलाहजा फरमा रहा है तो ऐसी अजीम ज़ात का ही दामन रहमत थामना चाहिए उसी का कहना मानना चाहिए उसी को अपना मबूत तस्वर करना चाहिए इसी में कामयाबी है तो वक़ा भी बेजुनूबी इबाद ही ख़बीर और काफ़ी है वो वही ज़ात काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों पर मुतले होने के सिलसिले में अल्लाज़ी ख़ल़मातीद वामा बई नमा फ़ी सति अय्यामिन वही ज़ात है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है फ़ी सति एयामिन छः दिन में अगर अल्लाह तबारक व ताली चाहता तो इरादा फरमाता एक लम्हे में सब कुछ हो जाता लेकिन उसने इरादा ही छः दिन का फरमाया और छः दिन के मुख्तसर से वक्त में अल्लाह तबारकवा तै ने आसमानों को पैदा किया आसमान में जितनी चीज़ें हैं वो फिर ज़मीन को पैदा किया उसमें जितनी चीज़ें हैं और इनके दरमियान जो अल्लाह ने हज़ार हाँ मख़लूकात रखी हैं जिनको हम अपनी आँखों से बाजूक़ात देख भी नहीं सकते हैं जैसे जरासीम उ होते हैं बैक्टेरियाज़ वगैरह होते हैं इनको अल्लाह ताली ने पैदा फरमाया सिर्फ़ छः दिन में सुमस्तवाश इसका लफज़ तर्ज़मा तो ये है कि फिर वो बैठ गया अर्श पर इस तवा माने बैठ जाना करार पकड़ना तो जो इस्लाम हैं ये याद रखिएगा कि जो इस्लाम अकाइद को दलाइल से साबित करते हैं यानी अकीदों के बारे में बहस करते हैं उनकी दलीलें बयान करते हैं उन्हें कहते हैं मतकलमिन और उस इल्म को कि जिस इल्म में अक़ायद को दलाइल से साबित किया गया जाता है उसे कहते हैं इल्म कलाम। तो जो इल्म कलाम से उलमा होते हैं वो अकाम शर्या की तरफ अमलिया की तरफ, तरफ तवज्जो नहीं करते हैं कि नमाज के, के फ़रज़ क्या हैं वाजिबात क्या हैं ये चीज़ें सीखते हैं लेकिन उनका असल जो मौजू होता है वह अकैदा होता है बमाय दलील वो उसके ऊपर तोज्जो करते हैं दलाइल जमा करते हैं अकायद को साबित करते हैं इस इल्म को जिसमें अकीदे को दलील से साबित किया जाए इल्म कलाम कहते हैं और जो इस इल्म से वाबस्ता होते हैं उन्हें मतकलम कहा जाता है तो हमारे जो इस्लाम में मतकलम हैं इस्लामी स्कॉलर्स गुजरे हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह तबारा का तआला किसी एक जगह में नहीं हो सकता क्योंकि जब वो एक जगह में होगा तो सम का तयन होगा उसके लिए हम कहेंगे कि जी मसला वो ऊपर है नीचे है दाएँ हैं बाएँ हैं समत का तयन होगा और जब आप उसके लिए एक जानब एक समत मुत करेंगे तो जिसके लिए आप समत मुतन करते हैं वो किसी न किसी जगह में होती है किसी न किसी मकान में होती है जगह में होगी तो जगह गोया कि उसका ईजाद का अाता कर रही है जैसे अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो जितनी जगह में हूँ वो मेरा अहाता किए हुआ मुझे घिरे हुए हैं वगह और जब कोई चीज़ किसी जगह के घेराव में आ जाए तो वो जिस्म होती है उसे जिस्म कहते हैं क्योंकि जिस्म ही किसी मकान में हो सकता है और जो जिस्म होता है वो लंबाई, चौड़ाई गहराई में तकसीम को कबूल करता है जिस्म की तारीफ़ ये है कि जो लंबाई, चौड़ाई गहराई में तकसीम को कबूल करे तो अगर अल्लाह तबारक व ताल के लिए ये इस, ये इसके ज़ाहरी अल्फाज को मुराद ले लिया जाए ये अर्श है अर्श पे अल्लाह ताला तश्री फरमा है जैसे एक बादशाह तख्त पे बैठता है मादल्ला, बिला तमसील अर्ज़ कर रहा हूँ तो जैसे एक तख्त पे बादशाह बैठता है इस तरह का तस्वुर कायम किया जाए तो अल्लाह ताला का एक जगह में होना साबित होगा उसके लिए समत का तयन होगा और जिसके लिए समत का तयन होता है जो जगह में होता है वह जिसम होता है और जो जिसम होता है वह काबिल तकसीम होता है तो अल्लाह ताली काबिल तकसम होना भी मुसवर होगा हालाँकि कुरान में है कि लई सा कमी सिली शय अल्लाह ताली की मिसल कोई शय नहीं है कोई शय अल्लाह की मिसल नहीं हो सकती है तो हम चूँकि हमारे लिए हम एक समत में होते हैं किसी एक साइड में हैं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएँ बाएँ कहीं ना कहीं तो हम होते हैं हम, हमारे हमारी तरफ इशारा किया जा सकता है जिसके तरफ इशारा किया जा सके उसको मुशारुन इले कहते हैं हम एक जगह में हो सकते हैं हमारा जिसम हम लंबाई चौड़ाई गहराई को कबूल करता है तो अल्लाह ने तो फरमा दिया ले सक्र शयन वो अल्लाह ताला किसी शय की मिसल है ही नहीं तो इसका मतलब हमारी मिसल नहीं है जब हमारी मिसल नहीं है तो उसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं उसके लिए जगह साबित नहीं कर सकते उसके लिए जिस्मानियत साबित नहीं हो सकती है उसको आप मुशारुन इले नहीं बना सकते हैं तो अगर आप ये तस्व ये इसके जाहरी माना को ले लें कि अल्लाह ताला अर्श पे बड़ा जमान है और अर्श को मुतवर माने आपके सातवें आसमान के ऊपर एक तख्त है बहुत बड़ा जिस पे अल्लाह व तआला जलवा अफरोज़ है तो फिर उसमें और हमें मुमासलत हो जाएगी इस एतबार से कि अल्लाह ताला भी एक समत में हो गया उसको मुशाुल्ह बनाना मुमकिन है वो एक जगह में है जो जगह में होता है जिसम होता है तो उसके लिए जिस्मानियत भी साबित हो जाएगी फिर उसका काबिल तकसीम होना भी लाजिम आएगा लिहाजा इसीलिए लिए इस्लाम इस बात पर मुतफ़ हैं और ये हदीस भी कहती है मुस्ंद इमाम अहमद बिन हम्बल की यह रिवायत है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की जात के बारे में ग़ौर ना करो उसकी सिफात के बारे में ग़ौर वफ़क्र करो इसलिए कि कोई अक्ल अल्लाह ताला की ज़ात का घेराव नहीं कर सकती अगर अल्लाह की जात अकल के अंदर अक़ल यानी उसको समझ ले तो फिर वो ब बारी तला है ही नहीं अल्लाह की जात तो ऐसी है कि अकल के दायरे में आ ही नहीं सकती है यानी जब अल्लाह ने फरमा दिया का मिसली शय अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है उसकी मिसल कोई शय नहीं है तो आप ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया में इंसान हैं जानवर हैं नबाता पौधे हैं जमादा बेजान चीज़ें हैं इंसान हैं जिन हैं फरिश्ते हैं जब अल्लाह ताली किसी की मिसिल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह हम सब से तो बिल्कुल जुदा है अब किस तरह का है जब हमारी मिसल है ही नहीं तो हमारे जहन में तो तस्वुर सिर्फ उसका आएगा जिसको हमने अपनी आँखों से या तो देखा हो उसकी तस्वीर हमारे जहन में होती है या अगर उसको नहीं देखा तो उसकी मिसिल को देखा हो जैसे मैं किसी को समझाऊँ कि भाई मैंने एक जानवर देखा था हाथी की तरह था अब उसने मसलन हाथी देखा हुआ है तो वो फ़ौर उसका एक तस्वर खाका कायम कर सकता है कि उस जानवर को तो नहीं देखा जिसको मैंने देखा है लेकिन हाथी को तो देखा है तो हाथी के ज़रिए उस जानवर को भी वो एक तस्वुर कायम कर सकता है जब अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है ना हमने अल्लाह को देखा कि तस्वुर क़ायम हो जाए ना उसकी मिसल कायना में कोई शय है कि उस शय को देखने के बाद हम अल्लाह का तस्वर जहन में पैदा कर लें और या तीसरी सूरत होती है किसी के तस्वुर को कायम करने की किसी की खबर कोई बताता है भाई वो एक हमारे मोहल्ले में एक शख्स है उसकी छोटी छोटी आँखें हैं मोटी मोटी भवें हैं नाक लंबी सी है गाल पिचके हुए हैं होंठ ज़रा मोटे मोटे हैं और चेहरा ज़रा भारी बड़ा सा है और सर भी उसका बड़ा सा है तो आप फ़ौरन एक जहन में नक्शा आपका बनना शुरू हो जाएगा तो क्या अल्लाह के बारे में उसकी ज़ात के बारे में इस किस्म का कोई कलाम किसी मकाम पर आपने देखा जहाँ पर है अल्लाह की सिफ़ात का बयान है ज़ात का तो बिल्कुल बयान नहीं तो जब किसी ने अल्लाह के ज़ात के बारे में ख़बर नहीं दी उसकी मिसल कायनात में कोई शय नहीं है उसे हमने देखा भी नहीं है तो कैसे अक़ल उसके ज़ात का तस्वर कायम कर सकती है इसलिए नबी करीम ने अल्लाह की ज़ात के बारे में ग़ौर तफक्कुर करने से ही मना फरमा दिया यूँ ही अपनी ज़ात के एतबार से वो किस जगह है इसके बारे में भी ग़ौर करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसके लिए समत का तयन नहीं हो सकता वो हमारे लिए होता है वो किसी एक जगह में नहीं है क्योंकि हम एक जगह में होते हैं और वो हमारी मिसल नहीं है लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कियनात का ज़र्रा र्र्र्रा उसके मौजूद होने की गवाही तो दे रहा है लेकिन उस पर जब आप गौर करेंगे वो ज़ात आपकी अकल में नहीं आएगी ये भी एक अल्लाह का कमाल है तो हमें सिर्फ इतना अल्लाह के बारे में अकैदा रखना होगा ज़ात के अतबार से कि एक ज़ात इस कायनात में ज़रूर मौजूद है बस मौजूद है और पूरे कायन का वो इल्म रखती है और पूरे कायन में तगैर कर सकती है तसरफ कर सकती है तब्दीली पैदा कर सकती है पूरा निज़ाम कायनात तो वो ज़ात चला रही है बस ये आप तसव्वुर रखें अल्लाह के जात के बारे में ये काफ़ी है इससे ज़्यादा सोचने की हम कोशिश करेंगे तो ठोकर खाने का इम्कान है मुतकलमीन जो मुतकी थे परहेज़गार थे उन्होंने कुरान और हदीस का गहरा मुाला करने के बाद अल्लाह के बारे में जो अकीदा हमें समझाया है वो अकीदा जहन के अंदर रखें तो इन हम कामयाब रहेंगे वरना ज़रा भी हम दाएँ निकलेंगे तो गुमराह होने का अंदेशा है और ये बरह रास गुमराही हमारे ईमान पर असर असरानंदाज़ होगी और हो सकता है कि खुदा न खास्तः हम दायरे इस्लाम को फलान कर दायरे कुफ्र में दाखिल हो जाए तो ये अल्लाह ने फरमायाल अरश तो अब इसका तर्जुमा जो है वो यही करना चाहिए कि फिर वो अरश पर अपनी शान के लायक बरा जमान हुआ जैसा उसकी शान के लायक है जैसे मिसाल के तौर पर अब हदीसों के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही रवायात हैं कि तुम बरोद क्यामत अल्लाह तबारक व तआला को देखोगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम अपने रब को देखेंगे इन्हें साहब कराम ने सवाल किया तो आपने शायद फरमाया कि क्या तुम चौदवी रात के चाँद को देखने में शक करते हो अर्सकी कि जी नहीं तो फ़रमाया बिल्कुल इसी तरह अपने रब को देखोगे यानी वो चौदहें रात के चांद की तरह है ये कहना मकसद नहीं यानी जैसे वाजह तौर पर चौदह रात का चांद नज़र आता है ऐसे तुम अपने रब को देखोगे अब वही सवाल पैदा होता है कि कैसे देखेंगे जब वो उसके लिए ना क़रीब है ना दूर है करीब व बैद हमारे लिए होता है वो सबसे करीब है तो करीब दूरी अच्छा किस संप में मुँह करके देखेंगे किस तरफ़ मुँह करके देखेंगे कहाँ उसकी ज़ात होगी वही सवालत हैं सारे इसलिए मतकली ने फरमाया कि इन हदीस के ज़ाहिर अल्फाफ़ पर ईमान रखना ज़रूरी है लिहाजा हम ये कहेंगे हम देखेंगे लेकिन जिस किस तरह देखेंगे जिस तरह अल्लाह ताला अपनी शान के लायक हमें दीदार करवाएगा बस इस तरह एक तस्वर कायम कर लेंगे अल्लाह तबारक व ताली अगर चाहे तो हमें अपना दीदार करवा देगा हम हकीकता अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते हैं हमारी आंखों में इतनी ताब और ताकत कहाँ है और वो उसके दीदार की जो कैफियत है हकीकता वह कैफियत भी ज़ेहन में नहीं आ सकती है कि किस तरीक़े से दीदार होगा अल्लाह तला जैसे करवाएगा वो अपनी शान के लायक करवा देगा इसलिए यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि वो अपनी शान के लायक उसने अर्श-अर्श की तरफ तवज्जो फ़रमाई जैसा उसकी शान के लायक था तो अकाबरी ने तो उसका तर्जमा भी नहीं किया मैंने तो फिर बराजमान बोला उन्होंने इस्तवा ही तर्जमा फरमाया कि फिर उसने अपनी शान के लायक अरश पर इस्तवा फरमाया करार फरमाया कैसे ये अल्लाह बेहतर जानता है उसका तस्वर क़ायम हो ही नहीं सकता इसलिए कि हम जब तस्वुर क़ायम करने लगेंगे तो यखनी सी बातें अपने ऊपर क्यास करके करेंगे जैसे हम एक तख्त पर बैठ जाते हैं तो अल्लाह ताली के लिए भी वैसे तस्वुर क़ायम होगा हालाँकि हमारी मिसल वो है ही नहीं उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है ज़्यादा ग़लत तस्वुर क़ायम होगा इसलिए बस ज़ाहर अल्फाज को सुनकर और जिस तरह मोहतात अल्फाज में मैंने आपको अर्ज़ किया उसी तरह मोहतात अंदाज से हम इन बातों को समझेंगे इससे ज़्यादा गौर वफ़क्र की गुंजाइश नहीं हो सकती है